करंट की अर्थिंग को रोकते हैं ना, जहाँ ज्यादा करंट होगा ना, हाँ। होती किसी जगह के करंट को अपने सिक्वेंस में भेजने के लिए होती है। अच्छा, जहाँ कम ज्यादा कभी हम गाड़ी खींच रहे होते हैं, कभी धीरे कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे करंट का लोड उठता है, कम होता है, ये उसको मेंटेनेंस करने के लिए होती है। तो गाइस ये नाइट्रोजन की मशीन है, दोनों में, हाँ दोनों में डलेगी। तो हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, आई होप आप सब पप्पजी, अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, हाँ रुक जाओ दो मिनट। हाँ तो हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, आई होप आप सब अच्छे होंगे। पापा को पता ही नहीं था कि मैं पीछे वीडियो बना रहा हूँ, तो वो अपना काम में लगे हुए हैं। एक्चुअल में ये शीट काट रहे हैं जो अभी इस्तेमाल होनी होगी कहीं पे। फिलहाल सारा काम मैंने निपटा लिया, आज मैं जा रहा हूँ TVS के सर्विस सेंटर। एक्चुअल में पता है TVS की रेडियो ऑन बाइक में एक दिक्कत आ रही है, तो वो आपको मैं बताने वाला हूँ कि इसमें क्या दिक्कत आ रही है। तो व्लॉग स्टार्ट करते हैं आज का। एक मिनट रुक जाओ यार। तो गाइस इस बाइक में ये दिक्कत आती है कि जब हम इसे स्टार्ट करते हैं ना, ये इसका सेल्फ चला रह जाता है, तो इसे बंद कर दो दिक्कत हो जाएगी। तो कहते हैं इसकी ये रिले होती है, रिले में प्रॉब्लम आती है, तो इसको रिप्लेस करवाना है। फ़िलहाल इस बाइक को लिए मुझे हो गए यार 9 महीने पूरे, और इसमें 9 महीने क्या 6 महीने में इसमें दिक्कत आ गई थी। सेल्फ अटकता है और सेल्फ की जो गरारी है वो स्टार्ट रह जाती है, अरे अभी गिर जाता मैं, तो वो स्टार्ट रह जाती है। तो आज मेरे सर्विस सेंटर वालों से बात हुई थी, उन्होंने बोला कि आप मेरे पास ले आओ, देखेंगे ये रिप्लेस होगा, लेकिन इसकी वारंटी नहीं है। हाँ, कहते हैं ये छोटे प्रोडक्ट की वारंटी नहीं होती कंपनी से, ये आपको ख़रीदना पड़ेगा, ये आपको 150 की पड़ेगी। तो मैंने यार कहा कि ये बाइक के पैसे हमने पूरे के दिए थे, यानी ऑल ओवर पूरी बाइक के हमने पेमेंट की है, मैंने तो शोरूम में पूरी बाइक के पैसे दिए ना, तो उसमें पूरी बाइक की वारंटी होनी चाहिए। लेकिन स्कैम करके ये रिले 6 महीने पहले ख़राब हो चुकी थी, कहते जब तक चलती है चलाओ, हम बाद में रिप्लेस कर देंगे। उस टाइम इन्होंने ये नहीं बोला था कि इससे पैसे लेंगे। तो अब चलते हैं यार, अभी सर्विस सेंटर चलते हैं, देखते वहाँ क्या बात होती है। फिलहाल व्लॉग पूरा कंटिन्यू होने वाला है, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि ये बाइक आपने लेनी है या नहीं लेनी। खाली इसकी रिले में दिक्कत आ रही है, बाइक 100 पे हो 80 पे हो अपने आप सेल्फ स्टार्ट हो जाता है, चलती में उसकी गियर जो गरारी होती है वो स्टार्ट हो जाती है। तो उसमें यह दिक्कत होती है कि जो इसका इंजन की गियर होता है ना, जिससे इंजन स्टार्ट होता है, वो अटकने का डर रहता है। और 100 की स्पीड में, 70 की स्पीड में, 50 की स्पीड में वो गरारी अगर कहीं अटक गई ना, आपका चक्का जाम हो जाएगा और कुछ चांस बन जाते हैं कुछ दुर्घटना के। तो ये इस वजह से मैं इसे रिप्लेस कराने वाला हूँ, लेकिन मेरे साथ स्कैम तो हो ही गया है, क्योंकि मुझे उन्होंने बोला था कि पूरी बाइक की गारंटी आपको दी जा रही है, लेकिन यहाँ आप वो मुकर गए हैं। और इसके बहुत ही मतलब मैं कहता हूँ, ये देखो कितने ऐसे प्रोडक्ट हैं जो साइड में ऐसे फेंके हैं, कहीं भी फेंक देते हैं, कोई इतनी मतलब ख़ास इनकी मतलब स्पेस नहीं दे रखी जहाँ पर हमारे ये प्रोडक्ट, जहाँ पे हमारे ये पार्ट सेफ हो। तो चलो अभी चलते हैं, इसे लगा लेते हैं पहले, तो क्योंकि वहाँ जाके खुलना ही है, कहीं भी जाओ रास्ते में खोल खोल के सही करना पड़ता है। ये मैं अभी ऐसे ही लगा दूँगा, तो चलो बाइक पे बैठते हैं। सो गाइस पैसे उठा लिए मैंने, और अब ये निकलते हैं यहाँ से सर्विस सेंटर की ओर। भाई अभी ब्रेक ना लगती ना, सीधा रेहड़ी में घुस जाते, क्योंकि वहाँ पे ना मिट्टी का स्पीड ब्रेकर बना था, मेरा ध्यान ही नहीं गया उस पर। तो गैस मिलते हैं आपको सीधा शोरूम पहुँच के। भैया यहाँ TVS का सर्विस सेंटर कहाँ खुला है? हाँ ठीक है। सो गाइस फाइनली TVS के सर्विस सेंटर पहुँच गया हूँ, अंदर जाके देखते हैं क्या सीन है यहाँ का। स्पेयर पार्ट रिप्लेस करवाना है, रिले बात हुई है कंपनी में, बुलाया था मुझे, कौन है यहाँ मैनेजर, तो कौन है? बात हो सकती है।
सो गाइस फाइनली मेरा काम यहाँ पे डन हो गया। काम तो नहीं हुआ, खैर हमें ये पता चल गया कि यहाँ पे जो रिले है ना मेरी फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज होने वाली है। फिलहाल 2 मिनट का काम है और अभी मुझे वेट करना पड़ेगा, इस स्कूटी के बाद नंबर आएगा। तो कितना टाइम लगेगा भाई? 10-15 मिनट लगेंगे, कोई नहीं, वेट करते हैं। जॉब कार्ड भी बना लिया सब। अच्छा, तो गाइस मैं यहाँ पे ये स्कूटी का इंजन देख रहा था कि इसे कैसे पैक करते हैं, लेकिन वहाँ पे मेरी बाइक का काम होना स्टार्ट हो गया है और मुझे पता ही नहीं चला। ये देखो, खोल दिया रिले, इसमें दिक्कत आ रही थी। ग्रीस तो लगा हुआ है इसमें। ग्रीस से क्या होता है? ग्रीस करंट की अर्थिंग को रोकता है ना, ज़्यादा करंट होगा ना। हाँ। रिले होती किसी कि करंट को अपने सिक्वेंस में भेजने के लिए होती है। अच्छा, जहाँ कम ज़्यादा कभी हम गाड़ी खींच रहे होते हैं, कभी धीरे कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे करंट का लोड उठता कम होता है, ये उसको मेंटेनेंस करने के लिए होती है। क्या चलाते भी पापा? तो ग्रीस लगा देना फिर। ये लगी तो है। नहीं कम मैं तो लगा दे। ना ना ठीक है, इतनी ज़्यादा रूम तो वो भी बाई चांस दोबारा बंद हुई तो बंद नहीं, मतलब सेल्फ स्टार्ट हो गया तो। ये सर्विस सेंटर यहीं पे है। हाँ, अब तो खैर पता चल गया। मैं भी यहीं पे हूँ, बाकी मिलता रहूँगा, तुम्हें मेरी इतनी सेवा करिए, बाकी देखते। मैंने क्या सेवा कर ली यार, तू मेरा नंबर लिख ले, मैं तेरे को नंबर देता हूँ, ठीक है? यार पहली बात तो ये, मैंने तेरे को एक चीज़ बता दिया है, कोई भी तू शोरूम से चीज़ लेगा ना, कुछ भी, चाहे पेन भी लेगा, तेरे को 90 दिन की उसकी वारंटी मिलती है। वारंटी क्या? गारंटी होती है रिप्लेसमेंट की। इसका टेम्पर उखाड़ के इसमें नया लगवा दूंगा। इस बाइक का पता क्या हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। इसका ना ये फ़ोन नीचे गिर गया, नीचे गिर गया, कुछ भी है, लेकिन अभी 1 महीना हुआ है, इस बंदे ने बहुत मेहनत से लिया होगा फ़ोन। ये तो ये कह रहा है कि ये ना मैं कंपनी वाले रिप्लेस नहीं करेंगे, और ये फ़ोन गिरा भी इससे है। अब ये इसके पैसे तो भर नहीं सकता, सीधी बात है, महंगा फ़ोन है। तो मैं इसको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये कंपनी वाले चेंज करेंगे या नहीं करेंगे। इसको मैं बताता हूँ भाई, इसकी ना 90 दिन की ना गारंटी होती है, गारंटी। अब मैं इसका सोच रहा हूँ ना, कुछ मत सोच, सीधा कंपनी जा। नहीं नहीं कुछ मत सोच, सीधा तू कंपनी जा, उन्हें बोल भाई साहब ये फ़ोन में ना ये क्रैक आ गया है, ठीक है, अपने आप वो देखो दूसरा पीस देंगे या इसे सही करके देंगे। ये इसमें कुछ नहीं आया, स्क्रीन तेरी बच गई है, टच बच गया ना, टच बच गया, क्या करेंगे ये, इसके बॉडी चेंज कर देंगे। हाँ, अगर तू अपना घर पे रखेगा, तेरी ये दिक्कत है, तेरी गारंटी खत्म हो जाएगी, और कुछ नहीं। बाइक का काम हो गया, तू टेंशन फ्री रह, हैं? भाई बाइक चेक हो रही है, बाकी तू टेंशन मत ले, नंबर लिख ले, वहाँ अंदर एक लड़का है, मैं बात करवा। अब सर्विस के लिए मेरे पास दर्शन नहीं है, अभी स्कूटी की होनी है, हफ्ते बाद तेरे पास ही भेजूँगा। सो गाइस फाइनली इसकी रिले भी चेंज हो गई है, और यहाँ पे आके मुझे एक बात और पता चली है कि इसमें नाइट्रोजन डाली जाएगी। उससे क्या होता है कि हवा ना, हवा जो होती है नॉर्मल हवा से टायर गर्म हो जाते हैं, और उससे टायर ठंडे रहेंगे, मतलब हम लॉन्ग रूट पे जाएंगे कोई दिक्कत नहीं होगी। फिलहाल तो हम आने वाले टाइम में बुलेट का इस्तेमाल करेंगे, अभी डलवा के यहाँ से निकलते हैं। और TVS की सर्विस की अगर रेटिंग देनी हो मेरी ओर से 10 में से 10 है भाई, सुनवाई होती, सीधी बात है। मुझे यहाँ आने से पहले तो बहुत गुस्सा चढ़ रहा था, क्योंकि मैंने मायापुरी वालों से बात की थी, उन्होंने बोला था रिले का ना हम 200 रुपये चार्ज करेंगे, ये वो, आप ना कहीं और चले जाओ, किसी और सर्विस सेंटर चले जाओ। मैंने फिर कंपनी में बात की, उन्होंने बात यहाँ अपने आप कर ली और मुझे टाइम दे दिया। तो आधा घंटा मुझे लगा यहाँ आने में, मतलब यहाँ आके काम करवाने में। फ़िलहाल मेरी बाइक प्रॉपर 1 नंबर हो गई है। तो ये नाइट्रोजन की मशीन है, दोनों में? हाँ दोनों में डलेगी। कोई तीसरी ट्यूब भी हो तुम्हारे पास? नहीं ट्यूब नहीं है यार, होनी चाहिए वैसे, ज़्यादा नीचे मतलब। ये पता है सबसे बड़ा नुकसान पता क्या हुआ, मैं जिस दिन बाइक लेके आया हूँ ना, मेरे पड़ोसी ने पता क्या किया, वो नहीं होता बर्फ तोड़ने वाला, 3 जगह किला घुसा दिया, फिर मैंने अंदर ही रखी, सड़ते हैं साले। तो गैस नाइट्रोजन डलवाने के बाद यहाँ से मैं निकल लूँगा, क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत लेट हो चुके हैं, आपको पता ही है। पेंचर में इफेक्ट तो नहीं आएगा ना कोई? पेंचर में पहले निकालनी पड़ेगी हवा तो, हैं? अच्छा, सो गैस फाइनली हवा इसमें डल गई है, और मैं यहाँ से निकल रहा हूँ घर के लिए। और आपको ये इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि यहाँ पे मेरा जो सारा काम हुआ ना फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ है, वारंटी में हुआ है। लॉग स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था कि देखते हैं शोरूम में काम फ्री होता है या नहीं होता, साल के अंदर आप जो भी काम लेके आओगे बाइक में कोई भी दिक्कत आएगी वो कंपनी की ओर से आपकी फ्री होने वाली है।
तो इसमें रिले की दिक्कत थी, अभी प्रॉपर सही हो गई है अभी, और वो रिप्लेस ही कर दिया। तो निकलते हैं यहाँ से घर के लिए। तो गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, बाय एंड टेक केयर। तो TVS की कंपनी के लिए एक नंबर तो बनता ही है।